हाय फ्रेंड्स आज आपके लिए मैं नारियल के लड्डू बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और साथ ही ये इजीली बन भी जाते हैं तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो मैंने यहाँ एक कटोरी ली है इस कटोरी से मैं सारे मेजरमेंट करूंगी मैंने यहाँ तीन कटोरी नारियल का बुरादा लिया है सबसे पहले हम कढ़ाई में दो चम्मच घी डालेंगे फिर ये नारियल का बुरादा हमें इसमें डाल देना है हमें इसे लगातार चलाते रहना है लो फ्लेम पर दो से तीन मिनट तक इसे बुनने के बाद इसमें घी की अच्छी खुशबू आ जाएगी घी हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना होता है क्योंकि नारियल के बुरादे में ऑलरेडी तेल होता है ये अच्छे से बुन गया है अब मैं इसमें एक कटोरी दूध डालूंगी उसी सेम कटोरी से इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना होगा नहीं तो ये नारियल का बुरादा जल जाएगा और इसके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे और अब इसमें मैं एक कटोरी से थोड़ा सा कम क्रीम वाला दूध डाल रही हूँ आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं और आप दूध जब डाल रहे हो तो आप डेढ़ कटोरी दूध डाल सकते हैं उसमें यानी कि जितना कि आपका नारियल का बुरादा आप लेंगे उसका आधा आपको दूध डालना है इसे अच्छे से मिक्स करूंगी एक बार मैं और ज़रूरत पड़ने पर इसमें दो तीन चम्मच मलाई और डाल सकते हैं दूध और मलाई नारियल के बुरादे में अच्छे से मिक्स हो गई है मैं इसमें अब एक कटोरी चीनी डालूंगी। जितना आप नारियल का बुरादा लेंगे उसका एक तिहाई हिस्सा आपको उसमें चीनी डालनी है लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी अब अच्छे से मिक्स हो गई है बुरादे में और देखिए आप इसका कलर भी चेंज हो गया है और मिक्स करने पर इनका फॉर्मेशन भी हो रहा है तो अब इसमें मैं मिल्क पाउडर डालूंगी इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा लड्डुओं में लेकिन अगर आप चाहें तो ये स्टेप्स स्किप भी कर सकते हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल है तो इसमें मैंने एक चौथाई कटोरी मिल्क पाउडर डाला है इसे मिक्स करेंगे अच्छे से मिल्क पाउडर डालने से ये थोड़ा थिक हो जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें दूध डाल सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अब इसे मिक्स होने तक चलाना है ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर इसके लड्डू बनाएंगे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इसे इतना ठंडा करेंगे कि जब हम लड्डू बनाए इसके तो हमारे हाथ न जले अभी ठंडा हो गया है मैं इसके लड्डू बना देती हूँ इस तरह से अच्छे से प्रेस करके हम इसके लड्डू बनाएंगे और अब इसे अच्छा प्रेजेंट करने के लिए मैं इस पर नारियल का बुरादा लगा दूंगी ये बहुत अच्छे दिखेंगे और ये स्टेप एकदम ऑप्शनल है बाकी ये भी लड्डू हम इसी तरह बनाएंगे और ये हमारे नारियल के लड्डू तैयार है ये नारियल के लड्डू सच में बहुत टेस्टी बने हैं और जैसे ये बाजार में मिलते हैं वैसे ही इनका टेस्ट है तो आप ये रेसिपी अपने घर ज़रूर ट्राई करें अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू बाय बाय